यूपी वालों के लिए अच्छी खबर। मुंबई से अहमदाबाद के बाद देश की दूसरी बुलेट ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई जाएगी। ये बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी की 782 किलोमीटर की दूरी को महज 2 घंटे 40 मिनट में तय करेगी। दिल्ली से लखनऊ के रास्ते पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को जोड़ने वाले इस फास्ट ट्रैक पर बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार इस योजना को आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में अपने अच्छे काम के रूप में भुनाने की कोशिश करेगी। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर दिल्ली कोलकाता का ही एक हिस्सा है। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच ये बुलेट ट्रेन यूपी के कई बड़े शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ और सुल्तानपुर से होते हुए निकलेगी। दिल्ली से वाराणसी के बीच इस कॉरिडोर को बिछाने में तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं दिल्ली से कोलकाता तक इस कॉरिडोर को बनाने में 84,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट रखा गया है।